बेकार नहीं होती जब तक कि आप उसको बेकार नहीं समझ लेते। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से मैंने कुछ पड़ी हुई भूल से ऊन से जिसको कि मैं ये समझ रही थी बेकार है और मेरी किस काम की है, लेकिन नहीं, वो बेकार नहीं थी, बल्कि मैंने इस तरह से ये देखे रंग बिरंगी ऊन से बहुत ही प्यारी कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस नए वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं घर पर ही स्टिच करना पसंद करती हूँ, तो कोई ना कोई कपड़ा बच ही जाता है। अब इस बचे हुए कपड़े से मैं दो कुशन बना रही हूँ। कपड़े को कट करने से पहले उसकी सिलवटों को दूर कर लेना चाहिए तो कपड़े को काटने में आसानी रहती है। मेरे कुशन 16x16 इंच के हैं, तो कुशन के फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 17 इंच कपड़ा लिया है, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में भी जाना है। और बैक पार्ट के लिए मैंने लिया है 17 and 20, क्योंकि आप जानते हैं कि 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड भी करना होता है। तो अब मैं कपड़े को काटती हूँ। कुशन के पीछे के पार्ट को मैंने इस तरह से सिल लिया। अब मैं अपनी इस बची हुई ऊन से टैसल बनाती हूँ। इन टैसल को बनाना बहुत ही आसान है। मैंने ये 3 इंच का गत्ते का पीस लिया। आपको अगर बड़े टैसल बनाने हो तो आप बड़ा गत्ते का पीस ले सकते हो। फ्रेंड्स, इनको बनाने में मुझे टाइम तो लगा, बट वी मस्ट नो हाउ एंड व्हेन वी हैव टू यूज़ आवर वैल्यूएबल टाइम। तो कभी टीवी देखते हुए या फिर फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए मैंने इनको फटाफट 2 दिन में बना लिया। और इस तरह मैंने ये बना लिए। तो अब मैं इन टेसल्स को अपने इन स्टिच कुशंस के चारों तरफ लगा देती हूँ। टेसल लग जाने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप चाहे तो इनको दीवान पर रख सकते हैं, आप चाहे इनको अपने सोफे पर रख सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपका मन हो। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जो कोई भी आपके घर पर आएगा एक बार आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये कहाँ से खरीदे। देन यू विल से टू देम वेरी हैप्पीली, नो आई हैडन्ट परचेज फ्रॉम एनीवेयर, बट आई प्रिपेयर्ड देम बाई माई सेल्फ। फ्रेंड्स, अब इन बचे हुए टैसल से ही मैं एक वॉल हैंगिंग बनाती हूँ। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आप कोई फ्लैट या राउंड स्टिक ले लें और जिस भी शेप में आपको हैंगिंग बनाना हो उस शेप की डिज़ाइन को ध्यान में रखकर ऊन की कटिंग कर लें। वैसे मैंने तो वी शेप में बनाना है, तो मैंने इस तरह से ऊन को कट करके इस शेप में रखा है। स्टिक के दोनों किनारों पर कोई डोरी या रस्सी बांध लें। मैंने तो इसको इस तरह से बांधा है और खूंटी पर लटकाया, क्योंकि टेसल को बांधने में बहुत ही सुविधा रहती है। ऊन के सभी धागों में मैंने इस तरह से टेसल्स को बांध लिया और बांधने के बाद, और ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। ऊन के धागे का जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसको मैंने पीछे से डाला और डालने के बाद ऊपर से टैसल्स वाले धागे को निकाल लिया।
यहाँ पर हमें एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि टैसल वाला एक पार्ट ऊपर रहना चाहिए और एक पार्ट नीचे, आई मीन टैसल कुछ इस तरह से देखने चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स कैसी ये मेरा ब्यूटीफुल पीस बनकर तैयार है। देखा आपने फ्रेंड्स कि जो चीज़ आप बना सकते हैं ना वो मार्केट में नहीं मिल सकती, और साथ ही साथ एक अंदर से खुशी होती है कि ये मैंने बनाया है और ऐसा दूसरा पीस नहीं है। तो आप ट्राई ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। विद दीज वर्ड्स सी यू सून इन द अपकमिंग वीडियो।